बशारतपुर स्थित दक्षिणी अशोक नगर में गुरुवार को मुख्य अतिथि भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने निःशुल्क मशरूम प्रशिक्षण केंद्र भवन का लोकार्पण किया। कार्यक्रम के आयोजक आनंद विजय अग्रहरी ने बताया कि मशरूम की 300 से ऊपर की प्रजातियां हैं, लेकिन गोरखपुर में हम बटन मशरूम के बारे में ही जानते हैं। इसके अलावा डिंगरी और मिल्की मशरूम भी पैदा किया है। ये बहुत ही फायदेमंद है और उपयोगी है। इस अवसर पर संत राजयाद और राधेश्याम, राजेश तिवारी, मन्ना लाल यादव, रमेश गुप्ता, सतप्रकाश मुन्ना, अन्नपूर्णा शुक्ला, विशाल गुप्ता सहित अन्य सहयोगी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए आयोजक आनंद अग्रहरी और मुख्य अतिथि केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा। आनंद जी के पिताजी का यहाँ पे ऐसा है, ये पूरा अंदर में रहेगा, यहाँ से पूरा बनकर हो जाएगा, ये अहिंसा पैदा होता है, अहिंसा पैदा होता है। अभी तो ऐसे ही रखा हुआ है, याद आएगा फिर आए पता चलो आधार का कहाँ है। बहुत ही होता है, इसके अंदर जूता पहने नहीं आ सकते, जब क्षति होगी जब हो जाए, जब होगा तो फिर जूता पहने नहीं आ सकते। मन करेगा तो तीन गुना प्रॉफिट कमा सकता है, और एक कोई श्रीमति करेगा क्योंकि खुद नहीं करेगा वो आदमी, खुद चले दुगुना कमाएगा। अभी आपका कहा हो रहा है, अभी समय अभी इसके पहले क्या जैसे पप्पू ने आपसे बात किया था, तो वो कहा कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान से बाहर से मशरूम आता है, यहाँ पे हम 5% भी नहीं पैदा करते हैं, खपत यहाँ बहुत ज़्यादा है, गर्मियों तो बिल्कुल नहीं पैदा करते। हम पानी प्रयास है कि गर्मी में बिना ए सी के हम तैयार करें, अभी हम दिखाएंगे आपको, उसका भी हमने वो हमने पैदा किया है। सब नहीं, ये सब तोड़े जाएंगे ना, तो तोड़ेंगे फिर मार्केट में तोड़ के काट के पैक कर देते हैं, रखा गया सजाया के लिए, गेहूँ है अभी तैयार नहीं करती थोड़ा भाई लोग वाले वही है। ये सूखा मशरूम भी आता है जी, वो मतलब बताए जी, और ड्राई वो भी हमारे यहाँ है। हाँ अभी बता देखिए मूलतः आप तो बहुत सारी हैं, 300 से ऊपर प्रजातियाँ हैं, लेकिन हम गोरखपुर में बटन मशरूम बारे में जानते हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पे डिंगरी मशरूम, मिल्की मशरूम भी पैदा किया है, और हमारा प्रयास है उसी पे फोकस है कि लोग इसको सभी लोग पैदा करें और इसके बाद जानकारी करें। ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत ही फायदेमंद है, ये लोग नहीं जानते हैं। जैसे बटन मशरूम को 2 महीना तैयारी में लगता है और 2 महीना फसल तोड़ने में लगता है, और डिंगरी मशरूम में 1 महीना तैयारी में लगता है और 2 महीना तोड़ने में लगता है, मिल्की में भी आपको 2 महीना तैयारी में लगता है और 1 महीना तोड़ने में 2 महीना तोड़ने में लगेगा, तो ये कर सकते हैं। गोरखपुर में पूरे हिंदुस्तान से मशरूम यहाँ बिकता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ सिर्फ मात्र 5% ही उत्पादन होता है, और जो सिर्फ ठंडी में होता है, गर्मी में यहाँ नहीं होता है। और मेरा प्रयास है कि 12 मास लोग पैदा करें और बिना एसी के पैदा करें। एसी में बहुत ज़्यादा खर्च होता है, लेकिन चूंकि हमने ऐसे तकनीक उपलब्ध कर दी है, ऐसा प्रयास किया बहुत सारे वैज्ञानिकों से मिल करके हमने ऐसा प्रयास किया है कि यहाँ पे आदमी कोई भी व्यक्ति साधारण टेम्परेचर में भी, गर्मी में, बरसात में भी पैदा कर सकता है मशरूम। लेकिन चूंकि जो मशरूम पैदा होती है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है, और उसी जानकारी के लिए हम पिछले 10 साल से लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, प्रशिक्षण शिविर लगाते हैं, इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे इसका मतलब उत्पादन करना, तो कितना खर्चा करना पड़ता है? नहीं, आपके निर्भर करता है, आप 500 से लेकर के 5 करोड़ तक, 10 करोड़ तक कर सकते हैं। मैंने खुद यहाँ पे देखिएगा, मैंने निकला भी पेपर में, हम मैंने 500 से स्टार्ट किया है, आज ईश्वर की दया से हम बहुत अब बहुत क्या कहें अपने बारे में अच्छी स्थिति में है। ट्रेनिंग सेंटर खुल रहा है, ये कितना लाभकारी होगा युवाओं के लिए? मुझे लगता है कि इस पर अगर युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जैसा कि आनंद अग्रहरी जो द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है,
और इस प्रकार का प्रोजेक्ट तैयार उन्होंने किया है। ये एसी हाल होगा जिसमें वो मशरूम पैदा होगा। यहाँ के युवा अगर उसको प्रशिक्षित करके अपने यहाँ भी छोटे पैमाने पर करेंगे तो अच्छा रोज़गार मिलेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का लगभग 15% से 20% ही यहाँ मशरूम होता है। तो उसको और अगर लग करके लोग बढ़ाएंगे तो अच्छा खासा अपने घर बैठे रोज़गार जो है युवा पा सकते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि आनंद मशरूम ये प्रशिक्षण केंद्र जो हुआ है, मैं इसके लिए इनको भी धन्यवाद देता हूँ, आनंद अग्रहरी को भी, कि लोगों को प्रशिक्षित कर करके रोज़गार दिलाने का काम जो कर रहे हैं यह बहुत ही उपयोगी है।